सो अभी हम आपको रेयर रैबिट की टी शर्ट को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं और क्या क्वालिटी है वो दिखाएंगे, फैब्रिक की कैसी क्वालिटी है। ये टी शर्ट हमें कॉस्ट हमें पड़ी है इसकी 809 रुपए की, तो मैं इसकी क्वालिटी देखना चाहता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो कुछ ऐसी पैकिंग मिलेगी आपको, यहाँ पे लोगो बना हुआ रेयर रैबिट का और ये कुछ मिंत्रा की तरफ से सील लगा रहे हैं आजकल, ये सील नहीं तोड़नी होगी आपको वरना आपकी टी शर्ट रिटर्न नहीं होगी। ये कुछ लोगो ब्रांडिंग देख सकते हो आप। अब आपको पास से थोड़ा मैं लोगो दिखाता हूँ, यहाँ पे पास मिला ये कैमरा, तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर टाइप का जो है ना हाथों पे आ रहा है, देख सकते हो खुड़खुड़ापन, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ चिपकाया हुआ है, ये लोगो है कुछ इस तरीके का, रेयर रैबिट लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्मॉल साइज मंगाया है मैंने और यहाँ पे भी देख सकते हो ब्रांडिंग दी हुई है, रेयर रैबिट जेंटलमैन, और यहाँ भी थोड़ा सा दिया हुआ है रेयर रैबिट लिक्विड कॉटन। फैब्रिक मैं दिखाता हूँ, कॉटन ही है देख सकते हो इसमें आप, फैब्रिक को पास से थोड़ा दिखाओ जूम करके फोकस, ये देखो। सो 800 रुपये में तो ठीक है, लेकिन 800 से ज़्यादा में ये कलर मिलते हैं आप देख सकते हो, 800 से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो उतना नहीं है इसका प्राइस, ब्रांड की वजह से ज़्यादा थोड़ा महंगा कर रखा है उन्होंने। और एस साइज़ बहुत बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे देखने में, मैंने एस साइज़ मंगाया है, मैं देखना चाहता हूँ एस साइज़ है कौन सा है, ये एस साइज़ है और मुझे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही पहनता हूँ लेकिन इतना बड़ा, अच्छा हल्का सा यहाँ पे वाइट वाइट सा हो रहा है देख सकते हो, किसी चीज़ का होगा, पीछे देख लेता हूँ कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, वरना डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते हैं। यहाँ पर डिफेक्ट है थोड़ा सा, ये देख सकते हो है ना, यहाँ पर डिफेक्ट, कोई हल्की सी कटिंग है, तो ये डिफेक्ट प्रोडक्ट आप चेक कर लेना तभी आप अपना टैग रिमूव करना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, और कहीं डिफेक्ट तो नहीं है। सो ये था रेयर रैबिट की टी शर्ट स्काई कलर की, और थोड़ा लाइट कलर है तो डल सा लग रहा होगा वीडियो में, बाकी यहाँ पे ब्रांडिंग है रेयर रैबिट की अच्छी सी, तो वो ओरिजिनल पहचानना और मिंत्रा से ही लेना, कहीं और से मत लेना। बाकी मैं कहूँगा कि ठीक है 800 रुपए में उतना बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, ब्रांडिंग की वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, हालांकि मैं कपड़ा यूज़ करूँगा उसके बाद आपको 3 महीने या 4 महीने बाद दोबारा से इसकी क्वालिटी दिखाऊँगा, क्या छूटता है क्या नहीं छूटता है। थैंक यू।